रायपुर में बारह सिंघा के सींग की तस्करी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है, दूसरा आरोपी रायपुर का ही रहने वाला है। दोनों आरोपियों के पास से बारह सिंघा के दो सींग बरामद किए गए हैं। जब्त सींग की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों के खिलाफ वन्य पशु निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। कल दिनांक को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति जो हैं बारासिंगा के सींग को लेकर उसको बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे क्राइम ब्रांच की टीम और हमारी टीम पहुंची थी वहां पे। तो वहां पे वजीर शेख जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है और शकील अहमद जो विनोबा भावे नगर का ही रहने वाला है, उसे कब्जे से बारासिंगा के दो सींग बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई है।